2018 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार लुनियात ने सरायकेला जिले के 21वीं एसपी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने निवर्तमान एसपी मनीष टोपो से पदभार ग्रहण किया और लुनियात इससे पूर्व जमशेदपुर के सिटी एसपी थे। उनका ट्रांसफर सरायकेला जिला में हुआ था और इधर पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने बताया कि अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जिले में ब्राउन शुगर के कारोबार पर नकेल कसना और अपराध मुक्त बनाने पर विशेष फोकस किया जाएगा। इससे पूर्व नए एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद निवर्तमान एसपी मनीष टोपो ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। 4 महीने के दौरान एक भी नक्सल घटना जिले में नहीं हुई है। बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छा कार्यकाल रहा, सभी का सहयोग मिला। इतना बड़ा जो लोकसभा का चुनाव था वो लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करा सके, इसमें पूरी सरायकेला पुलिस टीम का बहुत सहयोग मिला और मैं आशा करता हूँ कि जैसा सहयोग मुझे मिला है नए एसपी साहब को भी इस तरह सहयोग करेंगे लोग और ये जिला और अच्छा तरक्की करेगा। काम तो बहुत है, बहुत सारे योजनाएं थी जिसका आप लोगों को बताया भी था। SDPO नए SDPO के लिए, ट्रैफिक DSP के लिए, ट्रैफिक लाइट्स उसको लेकर के, फिर नक्सल क्षेत्र में भी कुछ हम लोग को काम करने थे। तो शिक्षक सरायकेला के रूप में मेरी प्राथमिकताएं सरायकेला की आम जनता को एक पीपल फ्रेंडली, रेस्पॉन्सिव, प्रोफेशनल और सेंसिटिव पुलिसिंग उपलब्ध कराना है ताकि पुलिस और आम जनता के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके, कम से कम किया जा सके, साथ ही आम जन के मन में पुलिस के प्रति विश्वास को और कायम किया जा सके। जहाँ तक प्राथमिकताओं की बात है तो मेरी पहली प्राथमिकता सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाना रहेगी और इसी के साथ साथ जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनका त्वरित गति से उद्भेदन हो और उसमें से समय चार्जशीट फाइल की जाए। दूसरी प्राथमिकता मेरी पुलिस अधीक्षक के रूप में, चूँकि आप सब लोग परिचित हैं, मैं इससे पूर्व में भी जमशेदपुर में सेवा दे चुका हूँ, सरायकेला पूर्व में अति नक्सल प्रभावित जिला रहा है तो और अंतिम चरण में मुझे लगता है नक्सल की लड़ाई है सरायकेला जिला में, तो उसको नक्सलियों का खात्मा करना